दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाए कि राजनीति और अपराध एक दूसरे का पूरक है तो इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुंबई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन कैसे उत्तर प्रदेश से हुआ है, इसके ऊपर तो हमने कई वीडियो बना दिया है, जिसे आप हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की कहानी भी इसी से संबंधित है और यह कहानी है निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी की। कैसे बच्चा पासी ने इलाहाबाद से जुर्म की दुनिया में कदम रखा और फिर छोटा राजन का शूटर बनकर मुंबई में उत्पात मचाया। फिर इसके बाद वह वापस उत्तर प्रदेश आया और कैसे सियासत की दुनिया में एंट्री लिया। काफी दिलचस्प है इसकी कहानी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bijorjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बच्चा पासी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके का रहने वाला है। ये वही थाना क्षेत्र है जहां अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल हत्याकांड को सरेआम अंजाम दिया था और इसी के बाद अतीक अहमद के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। यूपी पुलिस के मुताबिक वह D46 गैंग का सरगना है और उसके इस गैंग में 1 दर्जन से भी ज्यादा बदमाश शामिल है। हालांकि खुद को इस गैंग का सरगना बताए जाने के खिलाफ निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी ने हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाई, जिसके मुताबिक वह अधिकतर मामलों में बरी हो चुका है और बाकी बचे मामले अदालत में लंबित है। दोस्तों, बच्चा पासी की जुर्म की दुनिया की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। उसके खिलाफ पहला मामला हत्या, अपहरण, वसूली या फिर रंगदारी का नहीं बल्कि शराब की तस्करी का था, जो उसी साल दर्ज हुआ था। इसके ठीक बाद उसके खिलाफ ड्रग तस्करी का इल्जाम भी लगा। उसे अपराध की दुनिया में आए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि साल 2003 तक इलाहाबाद में उसके नाम की तूती बोलने लगी थी। यही वो साल था जब निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के खिलाफ पुलिस ने सिविल लाइन इलाके में लूट और डकैती करने का मामला दर्ज किया। धीरे धीरे उसकी करतूतों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही थी। इसी दौरान उसे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने अपनी पनाह में ले लिया। इसके बाद तो जैसे निहाल कुमार को जबरदस्त ताकत मिल गई। उसे हथियार चलाने की अच्छी समझ थी, इसी वजह से उसे छोटा राजन ने अपना खास शूटर बना लिया। अब यहाँ से बच्चा पासी का कद बढ़ने वाला था, क्योंकि छोटा राजन ने उसके नाम का एक बड़ा असाइनमेंट निकाल दिया था। साल 2006 में मुंबई में काला घोड़ा शूट आउट हुआ, जिसमें बच्चा पासी भी शामिल था। उसके साथ यूपी के ही जफर सुपारी, राजेश यादव और खान मुबारक का नाम भी इसी कांड में सामने आया। इसी कांड के बाद बच्चा पासी गिरफ्तार हुआ, लेकिन फिर कुछ समय बाद ही वह मुंबई की जेल से रिहा होकर बाहर आ गया। इसी काला घोड़ा कांड ने उसे बच्चा पासी से बच्चा भाई बना दिया और अब वह इसी नाम से कुख्यात हो गया। अगर आप काला घोड़ा शूटआउट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या सिंपली आप यूट्यूब पर काला घोड़ा बेजोड़ सर्च कीजिए, लिंक आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। इसके बाद अब निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी की पहचान एक कुख्यात माफिया डॉन के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। उसका खौफ मुंबई से निकलकर इलाहाबाद तक पहुंच चुका था। इसी दौरान इलाहाबाद में एक बड़ी लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें नाम आया बच्चा पासी का। इसी वारदात के ठीक बाद निहाल यह समझ चुका था कि अब उसे सियासी संरक्षण की आवश्यकता होगी, जिसके बाद उसने मायावती की पार्टी बसपा से नगर निगम का चुनाव लड़ा और वह खुद इलाहाबाद के वार्ड नंबर 2 से पार्षद बन गया। अब निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित करने की जुगत में लग चुका था। वो सियासत के गुण तेजी से सीख रहा था और इसी का नतीजा यह निकला कि वह राजनीतिक तौर पर और मजबूत हो गया। लिहाजा साल 2012 में उसने अपनी पत्नी रजिता को भी चुनाव मैदान में उतार दिया। अब यह बच्चा पासी का खौफ कहें या उसकी किस्मत कि उसकी पत्नी भी चुनाव जीत गई और वो भी पार्षद बन गई। अब आता है साल 2017, जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और अखिलेश यादव को हराकर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसका कुछ खास असर बच्चा पासी के राजनीतिक करियर पर नहीं हुआ।
शुरू में भले ही निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी को राजनीति का तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसके निगम पार्षद बन जाने के बाद उसे नेतागिरी समझ में आने लगी थी। अपनी पत्नी रजिता को नेता बनाने के बाद एक बार फिर उसने साल 2017 में अपनी किस्मत निकाय चुनाव में आजमाई और वो एक बार फिर से चुनाव जीतकर पार्षद बन गया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले कई सालों से उस वार्ड में पार्षद के तौर पर बच्चा पासी या उसकी पत्नी या फिर उसकी बहन ही काबिज है। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद योगी सरकार जब माफिया गैंगस्टर्स के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले रही थी, उसी दौरान निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी का आलीशान मकान भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। उसके ऊपर इल्जाम था कि उसका मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, लेकिन इसका कोई भी असर बच्चा पासी के राजनीतिक करियर पर नहीं दिखा। वर्तमान में निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी राजनीति में सक्रिय है। इस बार वो खुद पार्षद नहीं है, लेकिन उसकी बहन प्रयागराज के ही धूमनगंज क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 सुलेमसराय से बीजेपी की निर्वाचित पार्षद है। अब भले ही बच्चा पासी का नाम यूपी पुलिस के माफियाओं वाली लिस्ट में हो, लेकिन फिलहाल वो प्रयागराज में दबंगई के साथ रह रहा है। हालांकि अभी वह शांत है और बीते कुछ सालों से उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। तो यही थी यूपी के गैंगस्टर बच्चा पासी की कहानी कि कैसे वह एक अपराधी से सफेदपोश नेता बन गया। इस बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।